सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर लखनऊ के नगर पंचायत मोहनलालगंज में पहुंची है, जहां सपा से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार विजय लक्ष्मी और उनके पति अमरीश पुष्कर मौजूद हैं। बता दें कि ये सपा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। वहीं हम जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर इन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे, साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। बता दें, निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में, और अमरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो विजय लक्ष्मी जी, आप चेयरमैन पद की प्रबल दावेदारी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूंगी अपनी जनता से, नगर पंचायत जनता से, कि आज मैं महिला जितने दावेदार हैं उसमें एक अकेली महिला प्रत्याशी हूँ, और मेरे साथ पूरा महिलाओं का पूरा समर्थन है, महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं, और मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब योजनाएं आएंगी, हमारा पूरा ध्यान उन महिलाओं पे होगा, अपनी जनता पे होगा, अपनी नगर पंचायत पे होगा, और मैं उनके लिए जो भी होगा मैं पूरा प्रयास करूंगी, चाहे वो आवास हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, मेरी हर सुविधाएं हर जनता के एक एक नगर पंचायत के एक एक गांव तक पहुंचेंगी, और मैं सभी तक ये योजनाएं पहुंचाने का काम करूंगी। जी अमरीश जी, मेरा आपसे सवाल है, आपकी पत्नी चेयरमैन पद की प्रबल दावेदारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, जनता का उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए मैडम, जो आज ये नवगठित नगर पंचायत है, इसका पहला चुनाव होने जा रहा है, इसके पूर्व मैं क्षेत्र से यहाँ से विधायक रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रथम बार में यहाँ पे हमारी पत्नी को ये चेयरमैन पद हेतु समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हम लोग इस क्षेत्र में लगातार विगत कई सालों से भ्रमण कर रहे हैं, हमारी पत्नी इस ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं, और इसके पूर्व मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ। यहाँ की सभी समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ। यहाँ लोगों के पास पेयजल की अभी बहुत दिक्कत है, लोगों के घरों के पानी का निकास की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम तरीके की दिक्कत है जो अभी इस नव गठन होने के बाद उसको दूर किया जाना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो समय में जब हमारी पत्नी ब्लॉक चेयरमैन के जीत जाएंगी तो निश्चित तौर पे हम इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे और निराकरण करने में सफल भी होंगे। विजय लक्ष्मी जी, आप अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मैडम, मैं पहले एक घर गृहिणी थी जी। और इसका श्रेय मैं अपने पति को देना चाहूँगी कि मुझे राजनीति में लाने वाले मेरे पति हैं। जब बीडी ब्लॉक प्रमुख महिला सीट हुई तो हमारे पति ने हमें पहला चुनाव बीडीसी का लड़ाया, बीडीसी से मैं जीत हुई तो फिर मैं ब्लॉक प्रमुख की दावेदार बनी और निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी। इसके बाद मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, जो हमारे मतलब अध्यक्ष पद के लिए था, तो जिला पंचायत में हमारे हमको भरपूर जनता का सहयोग मिला। फिर मैं जिला अध्यक्ष के लिए दावेदार थी, लेकिन उसमें कुछ ही कारणवश हम दो वोटों से ये चुनाव हार गए। आज फिर हम जनता के बीच में हैं, चेयरमैन प्रत्याशी हैं, और हम चाहते हैं कि हमें जनता पूर्ण समर्थन दे, और पूर्ण समर्थन दे रही है, और मैं जनता की आभारी हूँ कि वह आगे भी इसी तरह हमारा साथ देगी, और उस जनता के लिए हम पूरे तन मन से समर्पित हैं और उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। विजय लक्ष्मी जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है?
हमारे मार्गदर्शक हमारे क्षेत्र की जनता है, हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्र की हमारी महिलाएं हैं और हमारे पति हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, हमारे बहुत से ऊपर हमारे लोग हैं जिनसे हमें आज भी सीखने को मिल रहा है, मैं आज भी सीख ही रही हूँ उनसे। विजयलक्ष्मी जी, आपकी राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? हमारे राजनीतिक जीवन है हमारा, कोई भी चुनाव इतना आसान नहीं रहा, संघर्ष हमेशा किया है हमने और संघर्ष में हमेशा कामयाब हुए हैं। कोई भी मतलब पहला चुनाव लड़ा तो भी मैंने संघर्ष किया और अच्छे मतों से विजय हुई। फिर हमारा जिला पंचायत सदस्य का हुआ, उसमें मुझे मैं कोविड हो गया, मुझे मेरे साथ कोई प्रचार करने वाला नहीं था, लेकिन हमारी जनता ने हमारा पूरा सहयोग दिया। मैं तो घर में बीमार थी लेकिन फिर भी मेरा चुनाव लोगों की वजह से, हमारी जनता की वजह से मैं विजय प्राप्त हुई और आज भी हमें जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन हमारे साथ है। आप अगल बगल देख सकते हैं कि आज भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ उसके बावजूद भी लोग मेरे साथ आ रहे हैं, तो मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं अपनी महिलाओं के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने गरीब जनता के लिए मुझसे जो होगा, आवास का, घर का, नाली का, पानी का, जो भी व्यवस्था है, मैं पूरी व्यवस्था पैसा पहुंचाने का काम करूंगी। जी अमरीश जी, आपसे मेरा सवाल है, आप लोग समाजवादी पार्टी से नाता रखते हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक? ये समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और हम लोग संघर्ष करने में विश्वास करते हैं। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के विकास पुरुष हैं, इस प्रदेश को विकास की नई नई बुलंदियों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहुंचाया है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, सभी धर्मों को साथ ले जाके उनको साथ लेके चलने में हम लोग विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों में हम लोग आस्था रखते हैं और हम सभी को साथ लेके चलने वाले हैं, हम लोग समाजवादी हैं। अपने कॉम्पिटिशन में किसे देख रहे हैं अमरीश जी? देखिए, यहाँ हमारा कंपटीशन तो किसी से है ही नहीं है, मैं दूर दूर तक जा रहा हूँ तो मैं कहीं कोई दिख नहीं रहा है कि कौन कंपटीशन में है। हो सकता है कोई दूसरे तीसरे के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन हम लोग आज भी, कल भी नंबर एक थे, आज भी नंबर एक हैं और आने वाली 4 तारीख को भी हम नंबर एक ही रहेंगे। विजयलक्ष्मी जी, आप चेयरमैन पद की दावेदारी कर रही हैं, अभी वार्ड में कौन सी समस्याएं देख रही हैं? विजयलक्ष्मी जी, आप चेयरमैन पद की दावेदारी कर रही हैं, अभी वार्ड में कौन सी बड़ी समस्याएं देख रही हैं? वार्ड में मैम इतनी समस्याएं हैं, पानी निकासी की गली गली में घूम रही हूं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं आवास की समस्या है, पूरा क्षेत्र समस्याओं से भरा हुआ है। नाली, कहीं नाली बनी ही नहीं है, लोगों के घर टूटे फूटे रहने पर लोग मजबूर हैं, बच्चे पर स्कूल वगैरह अगल बगल हैं नहीं अच्छे, और जो हैं भी तो उनका भी टूटे पड़े हैं, उनमें कोई काम पढ़ा शिक्षा का हो नहीं रहा है, तो समस्याएं बहुत हैं क्षेत्र में और उन समस्याओं का निदान शायद हम लोग अगर निधि मिला तो, हमें मौका मिला तो मैं ज़रूर पूरा करूंगी, कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समस्याओं का समाधान हम कर पाएँ। विजयलक्ष्मी जी, जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? जनता के बीच हमारा एजेंडा है कि मैं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर पाऊँ, अपनी बेटियों को शिक्षा मिल पाए, महिलाओं को घर पे रोज़गार मिल पाए, उनको रहने की व्यवस्था हो पाए, उनको पानी की पीने की व्यवस्था हो पाए, उनके सड़क पे निकलने की व्यवस्था हो पाए, तो इन एजेंडों के साथ मैं मैदान में आई हूँ और हमें यकीन है कि हमारी जनता हमारे साथ है, इस हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। विजयलक्ष्मी जी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वार्ड में अभी क्या कुछ समस्याएं हैं और अगर जनता मौका देती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कुछ करेंगी? स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तो समस्या हमें हमेशा बढ़ती रही और प्रयास होता रहता है कि हम लोग स्वास्थ्य को लेकर, जैसे जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र हैं उसमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो जाए, सारी दवाइयाँ मिल पाएँ, लोगों को सारी सुविधाएं मिल पाएँ, ये हमारा प्रयास पहले भी रहा है और आज भी हम लोग करते रह रहे हैं। विजयलक्ष्मी जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका कारण क्या है? ये तो जनता का प्यार है कि जनता का नेता हमें नेता मानती थी, तो जनता का प्यार है कि वो हमें नेता।
विजयलक्ष्मी जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जो आप अपने क्षेत्र में कराना चाहेंगी? सबसे पहला काम स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य की मतलब छोटी मोटी बीमारियों के लोगों को दूर दूर हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, इतने महंगे महंगे उनको दवाइयाँ जो बेचारे वो नहीं उठा पाते, गरीब जनता हमारी नहीं खर्च उठा पाती, तो स्वास्थ्य को लेके, उसका दूसरा है हमारा शिक्षा को लेके कि एक अच्छे स्कूल, अच्छी कॉलेज, और हमारे नगर पंचायत में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ये प्रयास मेरा अब से नहीं, मैं जब प्रमुख थी तब से मैं प्रयास कर रही हूँ, मेरे पति विधायक थे, इन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन आज भी हमारे इस नगर पंचायत क्षेत्र में कि दूर दूर तक डिग्री कॉलेज नहीं है। आज हमारी बेटियां दूर लखनऊ में जाके पढ़ने के लिए मजबूर हैं, उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरा प्रयास ये है कि एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पे हो, और लोगों के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी मिले, स्वच्छ पानी पीने को मिले, रोड पे चलने की व्यवस्था सारी दूर हो, नाली जो रोडों पे पानी बह रहा है वो समस्याएं दूर हों, इन एजेंडों के साथ हम मैदान में हैं। तो अमरीश जी, अब मेरा सवाल आपसे है, तो क्या लग रहा है जनता का कितना साथ मिलेगा विजयलक्ष्मी जी को? मैं इस जनता का प्यार सदैव मुझे मिलता रहा है, मोलालगंज क्षेत्र की जनता है जे। और शुरू से यहाँ पे विपरीत परिस्थितियों में 2017 में मैं समाजवादी के टिकट पे यहाँ से विधायक निर्वाचित हुआ था, और उसके बाद भी हर चुनाव में मेरी पत्नी को जिला पंचायत के लिए समर्थन मिला, और मैं अब समझता हूं कि यहां के नगर पंचायत की जनता हमारी पत्नी को और नगर का चेयरमैन बनाने में निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जुट गई है। सभी जात धर्म के लोग हमारे साथ हैं और हर वर्ग का आशीर्वाद हमको मिला है, तो मैं निश्चित तौर पे हम लोग भारी संख्या में भारी बहुमत के साथ नगर पंचायत मोहलालगंज का चुनाव जीतने जा रहे हैं। विजयलक्ष्मी जी, आप अपने क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ अहम और महत्वपूर्ण करना चाहेंगी? लखनऊ के नगर पंचायत मोहनलालगंज की ये तस्वीरें हैं जहां जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बता दें कि यहां चेयरमैन पद की प्रबल दावेदार विजयलक्ष्मी हैं, जिनको जनता का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें मैदान में महिला प्रत्याशी विजयलक्ष्मी उतरी हुई हैं, वहीं देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में महिला मौजूद हैं। मोहनलालगंज नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी हैं विजयलक्ष्मी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्हें जनता का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। मोहनलालगंज नगर पंचायत की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां चेयरमैन पद की प्रबल दावेदारी विजयलक्ष्मी कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्हें महिलाओं का भरपूर साथ मिल रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बता दें निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टी, सभी दल, वहीं सभी प्रत्याशी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी दल और सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं और विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए नगर संग्राम में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।